ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है पत्रिका मंच पर। हम बात कर रहे हैं राहुल से, तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं राहुल से बातचीत की ओर। नानी भाई का हमारा राजस्थानी मूवी है, आपने राजस्थानी मूवी में काम किया। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति कैसी चल रही है, आप क्या मानते चलते हैं? राजस्थानी फिल्म्स आज से 15-20 साल पहले तो बहुत ही कमाल की इंडस्ट्री रही थी, और पिछले 10 सालों में शायद एक्टर्स और जो अच्छे डायरेक्टर्स थे वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए, शायद उस कारण से ज्यादा हरकत नहीं हुई हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। तो लेकिन ऑफ लेट जब से मैंने थोर फिल्म बनाई है उसके बाद से लगातार हर साल मेरे ख्याल से 5-6 फिल्में ऑन एवरेज आ रही हैं, और स्थिति थोड़ी सी अभी भी उस लेवल पे आई नहीं है। क्योंकि जैसे अगर आप किसी भी रीजन की बात करें, चाहे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तो खैर वो तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी बेटर मानता हूं मैं, बट हमारे नेबरिंग जो स्टेट्स हैं, चाहे पंजाब माने या आप इधर गुजरात माने, गुजरात की इंडस्ट्री भी बेटर कर रही है हमारी इंडस्ट्री से, और पंजाब की इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट हिंदी फिल्मों के पैरेलल समानांतर आ गई है, क्योंकि वहां पे भी 6-7 करोड़ की फिल्में बन रही हैं और काफी बड़े प्रोड्यूसर्स भी उसमें पैसा लगाने में इंटरेस्टेड हैं। मुझे ये लगता है कि शायद गवर्नमेंट को हमारी इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और हम लोगों को ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिले। सब्सिडी की अगर मैं बात करूं तो वो केवल 10 लाख रुपए है। चलो सब्सिडी अगर छोड़ भी दें, सब्सिडी पे मैं इतना ज्यादा फोकस भी नहीं करना चाहता। मेरा मानना यह है कि अगर राजस्थान सरकार अगर सिनेमा हॉल ओनर्स को ये मैंडेटरी कर दें कि वो मराठी सिनेमा या और रीजन्स के सिनेमा की तरह हमारी राजस्थानी सिनेमा को दिखाना कंपलसरी कर दें, अदरवाइज उनका लाइसेंस रद्द कर दें, ऐसा कुछ अगर वो स्कीम या कुछ पॉलिसी लेकर के आते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि अभी सिचुएशन ये हो रही है कि जो प्रोड्यूसर्स फिल्म बना रहे हैं वो खुद पैसा लगा करके सिनेमा हॉल ओनर्स को बोल रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं कि भैया आप पैसे, पहले तो फिल्म बनाने के लिए पैसा लगाते हैं उसके बाद शोज लेने के लिए पैसा देते हैं, तो वो एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन हो जाती है प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि प्रोड्यूसर्स करें क्या। तो मेरा मानना है कि सरकार को अभी सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है, हमारी अगर पॉलिसी ऐसी भी कर दें, क्योंकि राजस्थान अगर कोई भी फिल्म बनाता है तो घर पे रखने के लिए फिल्म नहीं बनाता है, वो चाहता है कि उसका जो भी क्रिएशन है वो सिनेमा हॉल तक आए और पब्लिक उसको देखे बेसिकली, और अगर पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता है कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी फिल्म, तो वो ना केवल प्रोड्यूसर का लॉस है मगर जो सिनेमा लवर्स हैं राजस्थान इंडस्ट्री में, जो लोग चाहते हैं सिनेमा देखना, उनका भी लॉस है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है, एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि सिनेमा हॉल्स को कंपल्शन, उनको कंपल्सरी किया जाए मराठी सिनेमा की तरह, क्योंकि मराठी सिनेमा भी बहुत बुरी सिचुएशन में था आज से 7-8 साल पहले, तो जब से ये पॉलिसी आई है तो वो रिवाइव कर गया सिनेमा, अब बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स पैसा लगा रहे हैं। इसकी बात कर रहे थे कि सब्सिडी का जो आपकी बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री में देखने में ये आया है कि जो हीरो है वही पिक्चर प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, वही डायरेक्टर भी है, वही स्क्रिप्ट भी लिख रहा है, सब कुछ उसी का है, उससे आपको लगता है कुछ असर पड़ रहा है इसके ऊपर? नहीं, उसमें बुराई क्या है, मतलब मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है। अगर आप मेरे को बताएं कौन सी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहां पे, आप हॉलीवुड ले लें, हॉलीवुड में सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो राइटर्स भी हैं, जैकी चेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 32 चीजों में वो फिल्म से जुड़े रहते हैं, चाहे वो फाइट कोरियोग्राफी हो, एक्शन हो, स्टोरी हो। सिल्वेस्टर स्टेलोन, ही वाज रॉकी, जिस फिल्म से वो हिट हुए हैं वो राइटर भी थे, प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर भी थे, एक्टर भी थे। तो मेरा ये मानना है कि जैसे नेपोटिज्म की बात अगर करेंगे कि नेपोटिज्म भी हमारी इंडस्ट्री में है, तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई, अगर किसी के पास पैसा है और वो क्रिएटिवली उस चीज को यूज कर रहा है, सही तरीके से अगर यूज कर रहा है, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। पैसे की बात कर रहे थे, अगर इतना पैसा है तो फिर राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री के लोग सब्सिडी का वेट क्यों कर रहे हैं कि हमें सब्सिडी मिले तभी हम मूवी रिलीज करेंगे? नहीं, ये भी गलत मिसकंसेप्शन है कि ये गवर्नमेंट का बायलॉ था कि अगर आप रिलीज अगर कर देंगे तो हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे। तो कई प्रोड्यूसर्स ऐसा करते हैं कि जो फिल्म बना लेते हैं बट वो वेट करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने रिलीज कर दी तो सब्सिडी उनको नहीं मिलेगी, और पैसा राजस्थान सिनेमा में नहीं है। मतलब ये भी, क्योंकि आप ये भी देखें ना कि वो फिल्म जब लग रही है तो वो एक प्रोड्यूसर बेचारा उसको लगाने, पिक्चर को शो में लगाने के भी पैसे दे रहा है, बनाने के तो दे ही रहा है, उसके बाद वो रेंट दे रहा है, जबकि हिंदी सिनेमा जो है वो हिंदी फिल्म्स जो है वो प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय करते हैं उससे,
वो उसको पैसा पहले देते हैं फिल्म के। हम यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर एग्जीबिटर्स को फिल्म बेचते हैं, वहां से उनकी रिकवरी होती है। यहाँ पे तो पहले बनाओ फिल्म, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर या एग्जीबिटर जो जो सिनेमा हॉल ओनर है उसको पैसे दो पिक्चर दिखाने के, तो ये तो डबल मार है। मैं वापस आपके इस पर आना चाहूंगी, एक्टिंग आपने की, पिक्चर प्रोड्यूस की, सब कुछ के, एक्टिंग स्कूल खोलने का दिमाग में आपका कब और कैसे आया? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि बॉम्बे में मैं थोड़े टाइम कभी कभी, मेरे एक फ्रेंड थे जिनका एक्टिंग इंस्टीट्यूट था, तो मैं वहां पे कभी कभी कुछ क्लासेस लेने चला जाया करता था। तो वहां पे एक जयपुर से एक लड़का आया और लड़के ने बात करी, तो लड़के ने मुझे कहा कि सर आप, वो पास आउट हो चुका था, बोला सर मेरा फ्रेंड है जो बॉम्बे से जयपुर से आया है और वो भी एक्टिंग कोर्स करना चाहता है और उसके पेरेंट्स ने उसको 3 महीने का वक्त दिया है कि तू बॉम्बे जा और यू कैन ट्राई। तो मैंने उसको ये बात बोली, मैंने कहा यार 3 महीने में ये एक्टिंग सीखेगा या एक्टिंग करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर हम ये चीज को देखें कि वो बॉम्बे 3 महीने के लिए गया तो उसने एक्टिंग कोर्स नहीं किया हुआ, और राजस्थान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे आने से पहले तक, तो वो चीज मुझे स्ट्राइक करी कि मैं क्यों ना एक बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे राजस्थान के टैलेंट को बॉम्बे तक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू पहुंचाया जाए। तो वो सोचा, तब मेरे दिमाग में आइडिया ये क्लिक किया कि यार मेरे को भी, क्योंकि जब मैं जाना चाहता था तब भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और आज से 10 साल पहले तक भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बट अब हमको जैसे ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं, 2009 से लेकर के 8 साल हो गए हैं हमें। इन 8 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और जो यहाँ से पास आउट हुए हैं और उनमें से जो लोग बॉम्बे जा सके, क्योंकि हर एक की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, बट जो लोग भी बॉम्बे गए दे आर डूइंग वेरी वेल। राहुल, आपने इतने सारे टीवी सीरियल्स में काम किया है, मूवीज में काम किया है, आपका फेवरेट रोल, कैरेक्टर रोल कौन सा था? मैं समझता हूँ थोर फिल्म में जो मैंने करेक्टर किया पुलिस इंस्पेक्टर का, वो शायद मेरे सबसे करीब रोल वही है, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर का करेक्टर था और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी उसी से कनेक्ट करता हूँ। आपका कोई आइडल है फिल्म इंडस्ट्री में? देखिए आइडल बच्चन साहब मेरे ख्याल से, क्योंकि जब मैं जो अपब्रिंगिंग थी उस दौरान एक ही इंसान था जो इंडस्ट्री पे छाया हुआ था और उन्हीं को देख करके हम लोग बड़े हुए हैं जी। और उनके साथ भी जब इनिशियल डेज में बच्चन साहब के साथ भी मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा, ABCL में मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद सूर्यवंशम फिल्म में भी मैं अमित जी के साथ काम किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो सीन हमारे जो थे वो कुछ चेंज हो गए थे, मैं उनके छोटे भाई का रोल प्ले किया था, बट समहाउ वो दैट गॉट कैंड और कुछ रीजंस रहे होंगे। तो बट इनिशियल 97 से लेकर 98 तक 2 साल मैं बच्चन साहब के साथ काफी क्लोजली उनको ऑब्जर्व भी किया, क्योंकि लाल बादशाह में भी मैंने असिस्ट किया, तो बच्चन साहब को बहुत करीब से देखा, जानने का मौका मिला। अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं डेफिनेटली एक IAS ऑफिसर होता और मैंने कभी भी एग्जाम नहीं दिया, मतलब आपको मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दिए, बट शायद अगर मैं देता तो डेफिनेटली मैं IAS बन सकता था। मेरी मदर भी मुझे हमेशा बोलती रही जब मैं बॉम्बे में था, तो कहते यार एटलीस्ट तुम एक बार IAS दे दो, मैंने कहा नहीं मम्मा मेरे को जाना ही नहीं उस लाइन में, बट हाँ अगर शायद मैं एक्टर के बारे में नहीं सोचता तो डेफिनेटली फादर की तरह, अपने फादर की तरह एक IAS ऑफिसर होता। शुक्रिया राहुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे राहुल सूद। पत्रिका मंच में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।